नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो है कक्षा 10वीं एवं 12वीं का सप्लीमेंट्री का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ऐसे हैं जिन्होंने अपना सप्लीमेंट्री के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है और अभी जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरे भी जा रहे हैं। अब जिन बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है उन्हें इंतज़ार है कि हमारा जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम है वह किस डेट से स्टार्ट होने वाला है और किस डेट तक चलेगी। तो दोस्तों, हम कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बतलाने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार से जो है घर बैठे ही अपने मोबाइल पर कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं का टाइम टेबल डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कब से जो है आपका पेपर चालू होने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको प्रोसेस बताते हैं कि आप किस प्रकार से जो है अपने मोबाइल पर ही अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको MPBSC.NIC.in लिखकर सर्च कर देना है। कुछ इस प्रकार से जो है आपके सामने ऑफिशियल पोर्टल खुल के आ जाता है। यहाँ आपको ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, राइट हैंड की तरफ आपको टाइम टेबल ये वाला जो मेनू दिखलाई दे रहा है, इस वाले मेनू पे जो है एक बार सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसी टाइम टेबल वाले मेनू को ऊपर एक बार जो है सिंपल सा क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस मेनू पे क्लिक करते हैं आपके सामने अगला पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको जो है पहला वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, मंडल द्वारा चयनित वर्ष 2024 की पूरक परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम, इसी वाले जो है पहले वाले लिंक के ऊपर जो है आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। दोस्तों, हम जैसे ही पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक मंडल भोपाल के द्वारा जो है यहाँ हमें पहला नंबर जो है एक लेटर दिखलाई देता है। इसे चाहे तो आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके अच्छे तरीके से इसे देख सकते हैं। तो पहले पेज पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपको आदेश दिखलाई दे रहा है जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया हुआ है। नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे पूरक परीक्षा कार्यक्रम 2024, ऊपर आप देखेंगे हायर सेकेंडरी मतलब कक्षा 12वीं की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पेपर जो है एक ही दिन में सारे पेपर लिए जा रहे हैं जो है 8 जून 2024। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12वीं कक्षा में जो है एक ही विषय में सप्लीमेंट्री आती है, तो ऑल विषय जो भी कुछ हैं वह जो है 8 जून 2024 को जो है पेपर ले लिया जाएगा। और टाइमिंग की यदि हम बात करें तो टाइमिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, सुबह 8 बजे से जो है 11 बजे तक जो है आपका पूरक परीक्षा का पेपर लिया जाएगा। वहीं हम कक्षा 10वीं की बात करें हाई स्कूल पूरक परीक्षा की, तो आप यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं हमें सारा टाइम टेबल दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं पहला पेपर जो है हमारा 10 जून से शुरू होने वाला है, दिन सोमवार का पड़ने वाला है। ये आप देख सकते हैं 10 जून से जो है हमारा पेपर शुरू होने वाला है। और उसी प्रकार से जो है हम बाकी के पेपर देख सकते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और हम आखिरी पेपर की बात करें तो वह जो है 20 जून 2024। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि पहला पेपर 10 जून से चालू होने वाला है जो कि परीक्षा आखिरी पेपर 20 जून तक होने वाली है। तो इस प्रकार आपका जो है डाउट क्लियर हो गया कि हमारा जो है पेपर कब से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ आप जो है अपने जो भी संबंधित विषय में आपकी सप्लीमेंट्री आई हुई है इस टाइम टेबल को देखकर आप जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और उस हिसाब से जो है आप अपना पेपर देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर में अपना प्रवेश पत्र लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह रही आज जानकारी कि आप किस प्रकार से जो है अपना कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं का पूरक परीक्षा का टाइम टेबल अपने मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर पर घर बैठे ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस आवश्यक जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और आपने अभी तक आपके ही अपने चैनल बिग थिंक बड़ी थिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो रोज ही आया करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ।